पिछले 38 दिनों से गायब चल रही हनीप्रीत मंगलवार को जब कैमरे के सामने आई तो उसने अपने बारे में कई खुलासे किए। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए हनीप्रीत ने मीडिया द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को बकवास करार दिया। पिछले कई दिनों से हनीप्रीत के बारे में कहा जा रहा था कि वो कैटरीना की तरह बनना चाहती थी। एक्ट्रेस बनने को लेकर हनीप्रीत की चाहत पर जब सवाल पूछा गया तो हनीप्रीत ने रोते हुए जवाब दिया कि वो कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। हनीप्रीत ने कहा कि वो हमेशा कैमरे के पीछे काम करना चाहती थी। आपको बता दें कि हनीप्रीत इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन की मेंबर भी थी। पिछले दिनों सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद IFTDA ने राम रहीम के साथ उसकी मेंबरशिप कैंसिल की थी। हनीप्रीत IFTDA की आजीवन सदस्य थी। पिछले साल मार्च में ही उसे IFTDA की मेंबरशिप दी गई थी। बता दें कि हनीप्रीत जल्द ही पंजाब और हरियाणा कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं। बता दें कि हनीप्रीत पर 25 अगस्त को पंचकुला में हिंसा भड़काने का आरोप है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।